The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So how to protect your heart, us baat ko hum baat karte hain. Prevent heart disease, what are the things which you need to do to prevent heart disease. सबसे पहले उसको समझने के लिए आपको रिस्क फैक्टर समझना है. आप रिस्क फैक्टर समझ गए तो आपको समझ जाएगा आपको किसको बताना है, कैसे बचाना है. नंबर वन चीज़ जिसको रिस्क फैक्टर है वो है उम्र. यानी एक उम्र के बाद सबको हार्ट की बीमारी होती है भाई. किसी का दिल अमर नहीं है, राइट. सो 90-100 साल के ऊपर दिल नहीं जिएगा, कुछ ना कुछ बीमारी होगी. भाई 100 में से एक पर्सन होगा जो अच्छा रहेगा, लेकिन 99% लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम होगी, सारी प्रॉब्लम. सो एज, सो उम्र अगर आपकी 50-60 हो गई है तो हार्ट का चेकअप कराएं. सेक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई. आदमियों को मैन आर जनरली एट अ हायर ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. हाउएवर जो विमेन को उनकी मीनोपॉज के बाद यानी मेंसेस खत्म होने के बाद हार्ट डिजीज का रिस्क डबल हो जाता है. सो मीनोपॉज के बाद भैया हर साल अपना हार्ट का चेकअप कराओ विमेन और मेन, उससे पहले 10 साल पहले उससे, यानी 40 की उम्र के बाद से कराओ. फिर थर्ड रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके परिवार में आपके माता पिता क्लोज रिलेटिव को, किसी को, चाचे को, किसी आपके किसी को भी एक उम्र में, मान लो इस उम्र 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था, आपको पता चला था बीमारी हुई थी, तो आपको उससे जल्दी आने के चांसेस हैं, उससे 5 या 10 साल जल्दी आने के चांसेस है, तो भाई आपके टेस्ट कराने चाहिए. तो आपको अपने रिस्क फैक्टर मैनेज करने चाहिए, तो आपको रेगुलर टेस्ट कराने 5 या 10 साल, बिकॉज मौसम ठीक नहीं होने वाला उसके 10 उन लोगों के लिए ज़माना जो था, हमारा ज़माना और ख़राब है. सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, 5 या 10 साल टेस्ट कराने हैं. फिर स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फॉर हार्ट अटैक. स्मोकिंग बंद करें, स्मोकिंग से खून की नसें सिकुड़ जाती है, सख्त हो जाती है, क्लॉट्स बनते हैं. क्या नहीं होता स्मोकिंग से, कैंसर भी होता है स्मोकिंग. फिर डायबिटीज़ इज़ अ बिग रिस्क. डायबिटीज़ 10 साल होगी, 20 साल होगी, हार्ट की प्रॉब्लम बननी ही बननी है. मान के चलो बचे रहोगे स्मोकिंग, डायबिटीज़. फिर रेडिएशन कीमोथेरेपी अगर लेनी पड़ी तो, पुअर डाइट अगर सही नहीं है, ज़्यादा नमक, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा तली हुई चीज़, हार्ट बीमारी. सीधी बात है, मोटापा हार्ट बीमारी. हाई ब्लड प्रेशर अगेन रिस्क फैक्टर. ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना शुरू करो. पैसा लगता है उसमें, 1000 रुपये लगता है. 1000 रुपये की मशीन आएगी, 1-1.5 हज़ार की, रोज़ एक बटन दबानी है, 2 रुपये की भी नहीं, 4 आने की भी नहीं, मतलब एक महीने में 2 रुपये की बिजली लगेगी बटन दबाने से, लेकिन आप बचोगे, राइट. हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर रोज़ चेक करो, हार्ट रेट उसी में आ जाएगा, रोज़ चेक करो. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल साल में एक बार चेक कराओ. लिपिड प्रोफाइल, ओबेसिटी, मोटे मत हो, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत है, बैठने की जगह खड़े खड़े वीडियो कर लो, खड़े खड़े बात कर लो, खड़े खड़े चल लो, कोई ना कोई चीज़ एक्टिव रह के करो, एक्टिविटी बढ़ाओ. भाड़ में जान दो चेयर को, थोड़ा सा चल लो. भाड़ में जान दो लिफ्ट को, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ लो. एक्टिविटी ज़्यादा रेगुलरली रहेगी तो हार्ट बचा रहेगा, चाहे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज ही क्यों ना हो. स्ट्रेस है, दैट इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर. स्ट्रेस को कम करना है. 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए, थोड़े देर का मेडिटेशन, आधे घंटे का रिलैक्सेशन होना चाहिए, फैमिली टाइम हंसना खिलखिलाना होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है डेली बेसिस पे. और हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है. जी हाँ, हाथ नहीं धोगे उल्टे सीधे बैक्टीरिया वायरस जाएंगे, हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स अप्लाई. अगर हार्ट को बचाना है आज से गांठ बांध लो. बीड़ी सिगरेट तंबाकू बंद करो, उल्टा सीधा बाहर का खाना कम करो, और स्ट्रेस, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करो, अपने हेल्थ को फिट बनाओ और हेल्थ चेकअप कराओ. बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद का भी, फैमिली का भी. दैट्स ऑल, थैंक यू.